बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इरशाद भट्ट। इस वक्त ये जो बराए रास्त आप विजुअल्स मेरे पीछे देख सकते हैं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट या जॉलजी एंड माइनिंग या दिगर जो महकमे हैं वो हरकत में आए। हालांकि दरियाई जेलम को जो है दो दो हाथों से लूटा जा रहा है। आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है मुख्तलिफ अफसरानों की जानिब से जो रेड डाली गई और काफ़ी डॉक्टरों के साथ साथ चाहे हम दिगर जो यहाँ पे गाड़ियाँ हैं उनको अपने तहवील में लिया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये विजुअल्स दरियाए जेलम के बिल्कुल इर्द गिर्द, चाहे हम चकलू इलाके की बात करें या इसके साथ साथ दीगर इलाकों की बात करें, क्योंकि आज सुबह से लगातार जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे माइनिंग एंड जॉलजी डिपार्टमेंट गया, इसके साथ साथ DMO खुद वो यहाँ पे स्पॉट पे आए हैं और फ्लड एंड इरीगेशन डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं वो भी खुद यहाँ पे आए हैं और दीगर जो मुलाजमिन हैं वो भी आप देख सकते हैं इन विजुअलों में किस तरह जो है यहाँ पे दो दो हाथों से जो है इस रेत को जो है जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे निकाला जाता है इसको कैसे जो है लूटा जा रहा है। और आप देख सकते हैं इन विजुअलों में, ये आप देख सकते हैं क्योंकि आज बाज़ाब्ता तौर पर ये लग रहा है जैसे कि यहाँ पे कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, क्योंकि इस तरह की जो यहाँ पे रेड्स जो डाली गई इससे पहले भी डाली गई और आज भी बाकायदा तौर पर जो है इन विजुअलों में आप देख सकते हैं, क्योंकि DMO जो यहाँ पे कंसर्न चाहे इसके साथ साथ SDPO बारामूला, माफ़ कीजिएगा DYSP बारामूला या इसके साथ साथ SHO बारामूला, वो खुद जो है मॉनिटर कर रहे हैं। और देखा जाए इस वक्त तक तकरीबन काफ़ी लोगों को जो है अपने हिरासत में लिया है और ये बताया जाता है पिछले दिनों की बात करें, क्योंकि लगातार जो है इस तरह के मामले जो है वो सामने आते हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मिट्टी या रेत निकालते हैं उनको जो है दर दबोचा जाता है, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस हो या यहाँ पर महकमों की बात करें, चाहे हम फ्लड एंड इरीगेशन कंट्रोल या इसके साथ साथ दीगर जो महकमे हैं। और आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिसरों के साथ साथ चाहे हम फौजी एहलकार या इसके साथ साथ CRPF यहाँ पे लाए गए, चाहे हम दीगर जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पे लाए गए और खुद जो है यहाँ पे ये जो DMO है वो खुद जो है निगरानी कर रहे हैं और इसी के इसके साथ साथ चाहे हम DYSP देखा जाए या इसके साथ साथ SHO पुलिस स्टेशन जो सदर थाना है वो भी यहाँ पे आए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर जो है कई लोगों को जो है FIR भी दिया गया और कई गाड़ियां जो है वो रिकवर की गई, क्योंकि आप इन तस्वीरों में ये देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दरियाए जेहलम के इर्द गिर्द काफ़ी जो इलाके हैं, चाहे हम खानपुरा इलाके की बात करें या द्रंगबल इलाके की बात करें या इसके साथ साथ चकलू इलाके की बात करें, क्योंकि इस वक्त हम चकलू बारामूला में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इन विजुअलों में तकरीबन 470 व्हीकल्स को जो है अभी तक जो है सीज किया गया या इसके साथ साथ देखा जाए 218 टिपर्स जो है उनको पुलिस ने या डिपार्टमेंटों ने अपने तावील में लिया है और 240 के आसपास जो ट्रैक्टर्स हैं उनको जो है सीज किया गया। और ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे जो रेत निकाली जाती है उसको जो है डंप किया जाता है और देखा जाए आज ये जो विजुअल्स आप देख सकते हैं बराए रास्ते इस तरह के जो मनाजिर हैं वो आज पहली दफ़ा जो है देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखा जाए आज से चंद रोज़ कबल, क्योंकि यहाँ पे कई इलाकों में पुलिस ने भी कई इलाकों के में जाके जो है कई लोगों को जो है अपने हिरासत में लिया है और आज भी जो है बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ लाइव फीड पे आप ये बराए रास्ते ये जो मनाजिर आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है ये जो रेड डाली गई इस रेड में जो है काफ़ी लोगों को जो है पुलिस या डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं उन्होंने अपने तहवील में लिया है। ये आप देख सकते हैं SDPO माफ़ कीजिएगा DYSP बारामूला या इसके साथ साथ SHO कंसर्न या जो DMO बारामूला या दीगर जो अफसरान हैं वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह जो है इन्होंने इन लोगों के साथ साथ चाहे हम दीगर जो ट्रकें यहाँ पे जब्त की गई जो टिपर्स हैं या दीगर जो मिशनरीज हैं उनको जो है अपनी तहवील में लिया है। ये आप खसूसी रिपोर्ट आप बारामूला से देख रहे हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।